किसान भाइयों, पिछला वीडियो लौंग खाने के फायदे पर मैं बता रहा था। वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने पिछली बार कहा बताया था आपसे कि बाकी फ़ायदे मैं अगले वीडियो में बताया हूँ। उन्हीं फायदों को बताने के लिए आज का वीडियो है, आप ध्यान से सुनें और लाभ उठाएं। यदि आप अवसाद के क्षण में हैं, तनाव है आपके दिमाग में, तो आप लौंग खा करके दूर कर सकते हैं कि लौंग में मौजूद एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी तनाव को कम कर सकता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लौंग किस तरह से तनाव से बचाता है। लौंग का तेल संचार प्रणाली को उत्तेजित यानी स्टिमुलेट करता है और मानसिक थकावट व थकान को कम कर सकता है। इसे अनिद्रा, अस्मृतिहान, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक माना जाता है। किसान भाइयों, सरदर्द आम बीमारी है। पारंपरिक रूप से सरदर्द से राहत के लिए लौंग का उपयोग किया जाता रहा है। लौंग में एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो दांत से दर्द से भी राहत दिला सकता है। इसके अलावा लौंग का तेल भी दांत और सिर दर्द को कम करने में मदद करता है। लौंग के तेल को दांत में लगाने से और लौंग व उसके तेल को सूंघने से सिर दर्द कम हो जाता है। लीवर के लिए लौंग खाने से लीवर ठीक रहता है। लौंग का पानी पीने से लीवर स्वस्थ रहता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि पैरासीटामॉल की वजह से होने वाले लीवर इंजरी को कम करने में लौंग मदद कर सकता है। यह साइटोप्लाज्मिक एंजाइम में सुधार करके लीवर इंजरी से बचाव कर सकता है। ध्यान दें कि लीवर संबंधी समस्या के लिए लौंग पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसके लिए डॉक्टर से भी आपको संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, टेस्टोस्टेरोन के स्तर के लिए लौंग, यह एक ऐसा रसायन है जो आप यह जनन के लिए आवश्यक होता है। इसकी अधिक मात्रा टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम भी कर सकती है, अतः उचित मात्रा में ही इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, आजकल सांस फूलने की बीमारी जिसे अस्थमा कहते हैं, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है यूजेनॉल, ये अस्थमा के लिए अच्छा माना जाता है। यह कंपाउंड एंटी अस्थमेटिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिस वजह से अस्थमा से होने वाली परेशानी को कम करने में लौंग सहायता कर सकता है। शोध में बताया गया है कि लौंग में मौजूद ब्रोंकोडायलेटर और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुणों की वजह से यह एंटी अस्थमेटिक जैसे दवा का क्षमता रखता है। लौंग के तेल की सुगंध नाक की नली को साफ करने में मदद करता है। साथ ही अस्थमा, खांसी, जुकाम, साइनस, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को शांत करने में सहायक होता है। अस्थमा से राहत पाने के लिए लौंग और इसके तेल के साथ शहद और लहसुन के मिश्रण का सेवन करना लाभकर होता है। हड्डियों के लिए लौंग काफ़ी लाभकर होता है। दरअसल लौंग में मैंगनीज होता है जो हड्डियों को मजबूत बना सकता है। लौंग के हाइड्रोक्लोरिक अर्क में मौजूद यूजेनॉल हाइपोगोनेडल ऑस्टियोपोरोसिस के खिलाफ लड़कर हड्डी संरक्षण का कार्य करता है। किसान भाइयों, बरसात का दिन है, आजकल कान का दर्द बढ़ जाता है। लौंग के फायदे में कान का दर्द राहत दिलाता है। कान के दर्द के लिए लौंग के तेल को उसमें मौजूद दर्द निवारक
एनेस्थेटिक, कान के दर्द के बारे में आप जान जाइए कि इसमें एनेस्थेटिक गुण होता है। आप जानते हैं कि एनेस्थेटिक गुण से दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है और थोड़े समय के लिए दर्द का एहसास तो एकदम कम हो जाता है। लौंग के तेल को और भी तेल के साथ मिलाकर काट, जिसे आप रुई में डुबो लें और कान में खोंस लें, इससे दर्द होने के दर्द कम होने के साथ साथ कान में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। त्वचा पर होने वाले एक्ने और पिंपल को भी कम करने में लौंग उपयोग में आप ला सकते हैं। बहुत से कॉस्मेटिक्स में लौंग के तेल का प्रयोग होता है। यूजेनॉल कंपाउंड एक्ने के कारण होने वाले सूजन को कम कर देता है, अर्थात एक्ने बैक्टीरिया की वजह से होने वाले चमड़े में जो सूजन होता है वो कम हो जाता है। इसी वजह से घर पर लौंग के उपाय एक्ने को कम करने के लिए किया जाता है, ये आम लोग भी जानते हैं। किसान भाइयों, लौंग का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, जैसे भारतीय व्यंजनों को खुशबूदार बनाने के लिए और अचार और सांस में खुशबू उत्पन्न करने के लिए लौंग का उपयोग किया जाता है। लौंग के गुण और खुशबू की वजह से इसे एरोमा थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को उबाल कर इसके पानी को माउथ वाश की तरह उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके मुख में बदबू है तो लौंग को पानी में डालकर उबाल कर इस पानी से आप कुल्ला करें तो आपके मुंह का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा। लोग लौंग का भोजन में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। एक कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच लौंग का चूर्ण डालकर सुबह और रात को पी सकते हैं। लौंग के तेल की कुछ बूंदों से माथे की मसाज करके तनाव से राहत पा सकते हैं। घरेलू लौंग के टोटके में यह उपाय शामिल है। मसूड़े के दर्द और सूजन के लिए भी लौंग का तेल आवश्यक होता है। कुछ बूंदों को दर्द के जगह पर लगाकर हल्की मसाज कर सकते हैं और दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द ठीक हो सकता है। किसान भाइयों, गले के संक्रमण और सूजन को कम करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 छोटे चम्मच लौंग के चूर्ण को मिलाकर आप गरारा कर सकते हैं, तुरंत राहत होता है। ब्लैक टी में 1 लौंग डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। ये घरेलू लौंग के टोटके में आता है। लौंग को सीधे मुंह में डालकर चबा सकते हैं। 4-5 लौंग को पीसकर साफ रुमाल में रखकर सूंघ सकते हैं। लौंग के तेल के फायदे में और लौंग के फायदे आपको बताया जा चुका है। अब लौंग के तेल बनाने की विधि यदि आप जानना चाहें तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो एक बार और शुरू से आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो आप पसंद करें, शेयर करें और यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।